इमरान खान का विपक्ष पर बड़ा हमला भी देखने को मिला। बाहरी मुल्क के हाथों बिक गया है पूरा विपक्ष। इमरान खान की तरफ से बड़े गंभीर आरोप लगाए गए। रुपयों की बोरियों के बदले विपक्ष ने बेचा अपना ईमान, ये कहा इमरान खान ने। देश को गुलाम बनाना चाहता है विपक्ष। बाहरी ताकतों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और देखिए, सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो स्पीकर ने खारिज भी कर दिया इस अविश्वास प्रस्ताव को जो विपक्ष की तरफ से रखा गया था, उसमें इन सारी चीजों की जो डिटेल रिपोर्ट है वो दी गई थी, जिक्र किया गया था, जिसके बाद ये बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, सीधे तौर पे इमरान खान ने कहा बाहरी मुल्कों के हाथ जो विपक्ष है वो बिक चुके हैं, रुपयों की बोरियां इनके घर पहुंचाई जा रही हैं और उस वजह से इन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह जाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाद कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें।